हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेडिकल वाला। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम मैं लाया हूँ आपके लिए क्लियर मिक्स क्रीम का रिव्यू। तो फ्रेंड आप देख सकते हो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे यूज़ करनी है और किस परेशानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका प्राइस वगैरह क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इस तरह की इसकी पैकिंग है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको MRP दिखाता हूँ। इसका MRP आपको मिल जाता है 85 रुपीज़। और इसकी जो पैकेजिंग है वो आपको मिलती है 15 ग्राम की। इसके अंदर में जो कंटेंट है वो आप देख सकते हो, कई सारी दवाइयाँ मिक्स हैं इसमें, जैसे ऑफ्लोक्सासिन, मिकोनाजोल नाइट्रेट, एंटरबीना फोर्स, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोबेटासोल, पोपोइनेट, एसपेंथेनॉल। यहाँ पे जो है क्वांटिटी भी दी हुई है तो सबकी आप देख सकते हो यहाँ पे। और साइड में यहाँ पे आपको मिलता है फॉर एक्सटर्नल यूज़, तो इसका इस्तेमाल केवल एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। और बाकी के लिखा हुआ है कि धूप से दूर रखें और धूप से प्रोटेक्ट करें और ठंडे स्थान पर रखें। ये कुछ यहाँ पे इंडिकेशन दी हुई है क्रीम के बारे में। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइस और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। ये कुछ इंडिकेशन आपको यहाँ पे कंपनी देती है कि भाई आँखों में नहीं लगाना है, मतलब आँखों में लगने से बचें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो बात करते हैं कि किस परेशानी में इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड जब भी आपको कहीं पे खुजली जैसी समस्या है या फिर वहाँ पे दाने हो रखे हैं तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा शरीर के गुप्त अंगों पे खुजली होना, दाने होना, वहाँ पे लालपन होना, इरीटेशन होना, कोई वहाँ पे घाव बन गया है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कहीं पे दांत खाज खुजली की समस्या है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मतलब कि स्किन संबंधित जो परेशानी होती है उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे दांत खाज खुजली की समस्या हो और एलर्जी हो, दाने हो रहे हो, कहीं पे स्किन पे जलन हो रही है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और जैसे बताई कि प्राइवेट पार्टों पे खुजली होना, दाने होना या फिर वहाँ पे लाल रेडनेस आ रखा है, स्वेलिंग है, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे इसके इसके यूजेस कि इन इन परेशानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और परेशानी में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, जैसे कि स्किन पे यदि झाइयाँ हो गई हैं तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फेस पे जैसे झाइयाँ हो जाती है तो उसमें अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा स्किन पे दाने होना और स्किन पे कालापन, उसको भी हटाती है, उसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। बाकी की अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको किसी भी वेबसाइट पे। और ये हमारे कुछ, तो ये मैंने एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंटों को दी है तो उसमें अच्छा काम करती है। अगर स्किन काली पड़ रही है धूल मिट्टी की वजह से, आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो तो काली धूप की वजह से काली हो रखी है स्किन, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ये फ़ायदा देती है, काफ़ी अच्छा ये काम करती है वहाँ पे, तो आप यूज़ कर सकते हो। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट इसके यही होते हैं कि आपकी परेशानी जो है, मान लीजिए कि आपको कहीं पर रेडनेस या फिर दाने वाने हो रखे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ये हो सकते हैं कि आप इसके लगाने के बाद में आपको वहाँ पे और ज़्यादा दाने बढ़ सकते हैं या फिर खुजली और ज़्यादा हो सकती है, जलन हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं, वरना कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होंगे। और बात करें इस्तेमाल की तो इसको आप सुबह शाम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये क्रीम चाहिए तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो उनसे और उनको और मंगा सकते हो ये क्रीम अगर आपको चाहिए। तो फ्रेंड ये थी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।